सो हेलो गेमर, स्वागत है आप सभी भाइयों का एक और न्यू वीडियो के अंदर। गाइस आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला कि माइनक्राफ्ट के अंदर ये न्यू जो कंट्रोल्स आए हैं आप लोग उसको कैसे लगा सकते हो। और भाई लोग ये कंट्रोल आप लोगों को देखने में फ्री फायर या पबजी की तरह लगेगा और इसमें ईजी हो जाता है हमको लोगों को गेम खेलना। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आप लोग इसे कैसे लगा सकते हो। और इसमें मैं आपको बताऊं इलाइट्रा उड़ाना काफ़ी इजी हो जाता है इस कंट्रोल्स में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। और उससे पहले अगर जो भी भाई लोग चैनल पर नए आए होंगे तो वो लोग सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पर, बताते हैं आपको क्या क्या सेटअप करना है। तो ओके भाई लोग, आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर से एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका क्विक एडिट करके नाम है। तो आप लोग प्ले स्टोर पर क्विक एडिटर करके ऐप सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों का गेम मोड एक्सटर्नल पर होगा तो अभी तभी आप लोग लगा सकते हो प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंटरनल स्टोरेज के अंदर चले जाना है और फिर यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वाला एक फोल्डर मिलेगा एंड्रॉयड, आपको उसको ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वाला अपने में फोल्डर ढूंढना है। तो यहाँ पे ये मेरा एंड्रॉयड दिख रहा है, आप लोग कायदे से देख लो। इस पर आपको क्लिक करके आपको डाटा पे चले जाना होगा। आप लोग डाटा पे जाओगे तो आपको माइनक्राफ्ट वाला यानी कॉम डेट मोजेंग वाला फोल्डर आप लोगों को ढूंढ लेना होगा। तो आप लोग ध्यान से देख लेना आप में कॉम डॉट मोजेंग कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो मेरा यहाँ पे कॉम डॉट मोजेंग मिल गया है। फिर इसमें फाइल्स में जाके गेम्स में जाके कॉम्प्यूटर मोजेंग में और यहाँ पे माइनक्राफ्ट पी के अंदर मैं चले जाता हूँ। और फिर यहाँ पे ऑप्शन टेक्स्ट में आपको 12 नंबर पे एक सेटिंग बताता हूँ। वहाँ पर चले जाने के बाद 12 नंबर आपको ढूंढ लेना है, यहाँ पर दिखेगा। इस पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेरा 1 है तो आप लोगों का 0 बता रहा होगा, आपको 0 से रीनेम करके यहाँ पे 1 लगा देना है। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे 1 लगाने के बाद आपको इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर दे रहा हूँ। 1 लगा के आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको सेव कर देना है। इस फोल्डर वाले पे क्लिक करके सेव एज पे, तो यहाँ से आपका सेव हो जाएगा। अब आपको अपना माइनक्राफ्ट ओपन कर लेना है। ओके भाई लोग, फिर चले जाना है आप लोगों को टच वाले ऑप्शन के अंदर। फिर यहाँ पे आपको प्रोसीजर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर प्ले वाले ऑप्शन पे जाके अपना गेम को ओपन कर ले रहा है। तो यहाँ पे मेरा वो माई वर्ल्ड है तो मैं इसमें चले जाता हूँ। जब तक कि ये वर्ल्ड लोड हो रहा है तब तक कि आप लोग लाइक यार कर सकते हो ना। बस क्या करना है, बस क्लिक ही तो करना है उस पर, कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, तो हम लोग 600 सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो मेरा वर्ल्ड लोड हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कंट्रोल्स देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और इसमें इलाइट्रा उड़ाना कितना आसान है। मैं आपको इलाइट्रा उड़ाकर दिखा देता हूँ, रुको मैं आपको इलाइट्रा उड़ा के दिखा देता हूँ। तो भाई लोग यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ इलाइट्रा उड़ाकर कितना आसान है, रुको एक सेकेंड। तो आपको इस पर जाना है, फिर यहाँ पर आपको जहाँ पर हाथ दिखा रहा है उस पर क्लिक करके रहना है। तो रॉकेट से मतलब मेरे को इलाइट्रा उड़ाना पहले इतना अच्छे से नहीं आता था, फिर मेरे को इस कंट्रोल्स में आने लगा है। सो गाइस आप लोग इसी तरीके से कुछ कंट्रोल्स आप अपने माइनक्राफ्ट में लगा सकते हो। और अगर भाई लोग आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पे नए हो तो लाइक कर दो। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।